से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। राकेश रोशन ने कसी कमर, क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं राकेश? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, बीते साल जून में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने इंडस्ट्री में क्रिश को 15 साल पूरे होने का जश्न मनाया। बहुत लंबे समय से फैंस इसके चौथे पार्ट का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभिनेता ने अपने फैंस से लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की वापसी का वादा किया। इतना ही नहीं, अभिनेता ने फिल्म के प्लॉट के बारे में भी थोड़ा बहुत हिंट दिया था। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, अतीत हो गया, देखते हैं भविष्य अपने साथ क्या लेकर आता है। क्रिश 4 के लिए बातचीत काफी समय से चल रही है और फैंस इस अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में क्रिश के सभी फैंस के लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट की माने तो ऋतिक रोशन और राकेश रोशन जल्द ही फिल्म पर काम शुरू करेंगे। रिपोर्ट की माने तो क्रिश 4 की तैयारी, जिसमें फिल्म की कास्टिंग भी शामिल है, इसी साल जून से शुरू होगी। फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस का नाम अभी सामने नहीं आया है। और पिछले इंटरव्यू की बात करें तो राकेश ने खुलासा किया था कि ऋतिक एक साल में ज़्यादा फिल्में नहीं करते। उन्होंने बताया कि अभिनेता को चुनौतियां और प्रेरक किरदार निभाने का मौका पसंद है, इसीलिए वो ज़्यादा फिल्में नहीं करते। फिल्म निर्माता ने आगे कहा कि ऋतिक उन फिल्मों में काम करते हैं जहाँ वो किरदार को सही चेहराना चाहते हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन इन दिनों तमिल फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में नजर आने वाले हैं और अभिनेता के जन्मदिन के खास मौके पर मेकर्स ने फिल्म से उनका फर्स्ट लुक शेयर किया था। इस फिल्म के अलावा उनके पास फाइटर भी है, जिसमें दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आने वाली हैं। क्रिश 4 की बात करें तो इस वक्त बहुत कुछ खास होने वाला है। जादू की एंट्री होने वाली है। जादू हमें कोई मिलिया में दिखा था, उसके बाद गायब हो गया, लेकिन अब जादू आएगा तो वही जादू बिखेरेगा, ये भी तय है। हॉलीवुड टीम को हायर कर दिया गया है क्योंकि क्रिश 4 के एक्शन सीक्वेंस भी अलग ही लेवल के डिज़ाइन किए जाएंगे, इसीलिए इन सभी बातों का ख्याल रखा जा रहा है। VFX के लिए भी हॉलीवुड से ही संपर्क कर रहे हैं राकेश रोशन, ताकि कोई कमी नहीं रह जाए। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, ऋतिक रोशन फाइटर में दीपिका के साथ पहली बार नजर आएंगे और क्रिश 4 में भी कहा जा रहा है कि दीपिका ही आपको नजर आ सकती है। साथ में उर्वशी रौतेला का नाम भी शामिल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है क्रिश 4 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।